When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani! Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice. Hi everybody, a very, very warm welcome. Good morning and thank you for joining us on this Sunday morning. I have with me Dr. Manila, and she is an esteemed gynecologist who has been working for the past many years with me as my guest today, as my special guest today. But before I hand over to her, I would just like to give you a little brief on how the session works. So, थोड़ा मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेती हूँ, so that अगर किसी को कहीं ऊपर नीचे इश्यू है तो everyone is comfortable. अगर आप ध्यान देंगे तो you have been kept on mute. आपका माइक्रोफोन नहीं चलेगा, आप बोल नहीं पाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. सो क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए देर इज अ क्वेश्चन बॉक्स आपके डैशबोर्ड पे. आप अपने सारे क्वेश्चन वहां डाल दीजिए सेशन खत्म होने से पहले. आई एम श्योरली गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एंसर ऑल दीज क्वेश्चन, राइट. और दूसरी बात यह है कि ये सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया है कॉर्ड लाइफ की तरफ से, एंड कॉर्ड लाइफ इंडिया की लीडिंग स्टेम सेल बैंक है. ये सेशन रिकॉर्ड करा जा रहा है. So towards once the session is over, in two or three days, आपको session की recording भी मिल जाएगी. So you will be able to access it. इसीलिए भी आप लोग का microphone हमने mute किया है. मेरी introduction मैं बाद में करूंगी. ये session immunity, baby development वगैरह के ऊपर है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं. But पहले I will ask Dr. Manila to speak to you. Over to you, ma'am. Thank you, Sonali. A very good morning to all the pregnant ladies and their companions. At the outside, Happy New Year to all of you. आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. हम उम्मीद करते हैं कि आने नव वर्ष की हर सुबह, आने वाली हर सुबह आपके लिए उत्साह, उल्लास, उमंग और खुशियां लेकर आए. So Mahi Women's Center along with Cord Life organize every monthly seminars on different topics of pregnancy care. And this regard, today's topic of discussion is developing child's immunity and foundation of child in womb. So the topic is all about that, what can be done during pregnancy so that your baby develops to its best physical and mental potential. So, जब आप हमारे पास प्रेगनेंसी केयर के लिए आते हैं, जब भी हम बेबी के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट आया कि नहीं, बेबी में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसके हाथ पैर नाक मुंह सब ढंग से बने हैं कि नहीं. हम बात करते हैं कि बेबी का वेट ओके है क्या, बच्चे को ब्लड फ्लोज प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं. सो वी टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक. एंड रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ, हम ये बताते हैं कि आप खुश रहिए, डी स्ट्रेस रहिए, वर्क प्रेशर ना लें, घर में किसी ने कोई बुरी बात कह भी दी तो उसे दिमाग पर न लें. सो दिस वॉज द थॉट बिहाइंड दिस टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स इज दैट द बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर हो. और हम में से कई लोग, आप में से कई लोग प्रेगनेंसी टॉक्स भी करते हैं, जिसे हम गर्भ संवाद भी कहते हैं. यू पुट योर हैंड्स ऑन योर टमी, टॉक टू योर बेबी, कनेक्ट टू योर बेबी. कई बार डैड्स भी ऐसा करते हैं, दे ट्राई टू कनेक्ट टू द बेबी. एंड यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो, दैट वाइल यू डू सो योर बेबी रिस्पॉन्ड.
वो किसी पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन आवाज को रिस्पॉन्ड करता है. सो इट हैज बीन प्रूवन इन एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑल्सो दैट योर बेबी रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एंड आई थिंक नोइंग दिस फैक्ट हमें इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए. अगर हम ये मानते हैं कि बच्चा एनवायरमेंट को रिएक्ट करता है और उसका काफी कुछ ब्रेन डेवलपमेंट व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट अंदर ही होता है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए. हमें इसके पीछे छिपी साइंस को समझना चाहिए. सोनाली आपको इसके बारे में काफी टिप्स और साइंस बताएंगी. और हम ये क्योंकि ये वाला विषय हम इतनी डेप्थ में ड्यूरिंग योर रेगुलर विजिट्स नहीं डिस्कस कर पाते हैं, सो आई होप टुडे सेमिनार इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरेस्ट अमंग योर सेल्फ, बिकॉज प्रेगनेंसी इज ओनली एन टाइम व्हेन यू आर एब्सोल्युटली फ्री और बच्चा टोटल आपके कंट्रोल में है. आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू गिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रेगनेंसी एंड द आउटकम. So for today, so to know all about this, today we have an expert speaker with us, Sonali Shivlani, and she has got a lot of experience on this topic to discuss with you, and she will give you tips, tricks and science behind how to create a more smarter, healthier, happier and a divine soul. So over to you, Sonali. Thank you so much, ma'am. That is a glowing introduction. So audience, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जैसे मैम ने आपको बताया एंड अभी अपना इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, बट इससे पहले लेट मी अपना स्क्रीन भी शेयर कर लेती हूँ. वील स्टार्ट विद थोड़ा सा डायट एंड देन वील टॉक अबाउट अदर एरियाज ऑफ डिवेलपमेंट ऑल्सो. सो पहला अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. मेरा नाम सोनाली है, सोनाली शिवलानी. मैं मुंबई से हूँ. I have been doing pregnancy classes, post-delivery classes for a while now. जो मतलब मेरा जो experience है पिछले 16 and a half years से है इस profession में. तो जो हम लोग conversation करते हैं, हम diet वगैरह के बारे में बात करते हैं, baby की development के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो foundation है आपके womb की, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन भी देना बहुत जायज है क्योंकि हम साथ में एक घंटा निकालने वाले हैं. तो थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरे भी दो बच्चे हैं एंड ऑफ कोर्स बड़े हो गए, एडल्ट्स हैं. मेरा लड़का इस साल 20 कंप्लीट किया है इन 2020 एंड माय डॉटर इज टर्न 18. तो इट्स बीन अ जर्नी एज अ पेरेंट एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाने की भी आदत है. आई लाइक टू टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज एज वेल, राइट. तो शुरू करते हैं ऑन हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज. बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है आपके वूम में. एंड याद रखिए, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की या बेबी की डेवलपमेंट की, दो चीजें दिमाग में आती हैं. पहला होता है जो फिजिकल डेवलपमेंट है, एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है. एक होते हैं आपके हॉर्मोन्स. जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मोनल चेंजेस हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही जरूरी होते हैं. अगर आपके हॉर्मोन सपोर्ट कर जाते तो प्रेगनेंसी की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सही होती है. और दूसरा होता है जो आप खाते पीते हैं, आपका न्यूट्रिशन. सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप एक फुल लाइफ, फुल बेबी को बना रहे हैं, तो फ्रॉम स्क्रैच, राइट. जहां तक उनका उनके हाथ पैर फेस आईज किडनी हार्ट सारा कुछ बन रहा है, तो जो आप खाते पीते हैं, जो आपका न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, उससे आपके बेबी की डेवलपमेंट हो रही है. तो ये दो एरियाज हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं. इसके अलावा डिलीवरी के बाद की जो बातें हैं वो भी बहुत ही फर्क पड़ता है उनसे.
तो लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन और प्रेगनेंसी एनवायरनमेंट के बारे में, राइट? जो आपका खाना पीना है वो सिर्फ आपके बेबी के लिए नहीं बट आपके लिए और आपके इंटायर फैमिली के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत है मदर से जब हम पूछते हैं कि व्हाई शुड यू ईट हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको प्रेगनेंसी में इतना अच्छा क्यों खाना चाहिए, और वो बड़े स्माइल करके अपने स्टमक पे हाथ रख के ये बोल देते हैं कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए, मानती हूँ, लेकिन इससे सिर्फ बेबी नहीं बट आपका भी फायदा है। और सीधी सी बात है, अगर आप अच्छा खाएंगे तो फैमिली में सारे लोग अच्छा ही खाएंगे, राइट? क्योंकि बनाने वाले या ऑर्गेनाइज करने वाले तो आप ही हैं। तो उस हिसाब से ये बेनिफिट सिर्फ आपका नहीं है, आपके पूरे फैमिली का है। अब बेबी, राइट? जब बेबी की बात करते हैं तो बेबी में क्या फर्क आता है, बेबी के क्या चेंजेस हैं? शुरुआत करते हैं बेबी की शुरुआत से। जब जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स आप सारे प्रेग्नेंट हैं और अगर आप मुझे सोच रहे हैं कि अरे तो पहले करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी की जो डाइट है हम लोग मानते हैं कि ये 2 सालों के लिए चलनी चाहिए। अब क्यों 2 सालों के लिए चलनी चाहिए? 3 मंथ्स होते हैं प्री कंसेप्शन, उसके बाद 9 मंथ्स प्रेगनेंसी और 1 ईयर जो आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ये उस टाइम के लिए है, राइट? तो ये जो डाइट आपको प्लान करनी है वो आपको 2 इयर्स के लिए। तो अगर आप अभी फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स भी प्रेग्नेंट हैं, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डाइट फॉर यू बिकॉज अभी भी आपके प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स प्लस आपके पोस्ट डिलीवरी का 1 ईयर, 1 ईयर 3 मंथ्स मतलब 15 मंथ्स का बेनिफिट आपको अभी भी है। तो बेबी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग अबाउट द बेबी इज द फिजिकल डिवेलपमेंट। जब बेबी की कंसेप्शन होती है द बेबी इज इतना छोटा टाइनी डॉट जो दिखाई भी ना दे, इट इज रियली रियली स्मॉल। एंड जब वो आपके बाहों में आता है, जबकि आपके आर्म्स में आता है, तो दैट बेबी इज नाउ गोइंग टू बी एटलीस्ट 3 किलोस एंड अबाउट 18 to 20 inches। तो इतनी जो ग्रोथ है वो कभी भी कहीं पर भी नहीं होती, सिर्फ आपके वूम में, आपके गर्भ में होती है। तो इसका फायदा तो उठाना बहुत जरूरी है, राइट? सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप डिवेलपमेंट के टाइम पे आपका न्यूट्रिशन वगैरह आप सही रखें, कीप दैट इन माइंड, ओके? तो अब बेबी की फिजिकल डिवेलपमेंट है, यहाँ पे हार्ट बन रहे हैं, लंग्स बन रहे हैं, किडनीज बन रही हैं। सिंपल सा लॉजिक है, हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। अगर आपका जो नींव है, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, जो नींव है अगर वही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो उस बिल्डिंग को दिक्कत आ जाएगी। उसी तरह ह्यूमन बींग्स के लाइफ में, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बहुत पेरेंट्स परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम गर्भ से ही ध्यान देते हैं, हम बेबी की जो डिवेलपमेंट है उस पर ध्यान देते हैं, तो फ्यूचर में चल के अर्ली चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं और एज एन एडल्ट ऑल्सो भी प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो अपने फायदे के लिए ही आपको अपने बेबी को हेल्दी बनाना है, तो इंश्योर कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग यू टू ईट समथिंग वेरी एलैबोरेट। मैं आपको जो डाइट टिप्स दूंगी वे भी वेरी सिंपल आपके घर के खाने के हिसाब से, राइट? अब दूसरी चीज होती है ब्रेन डेवलपमेंट। अभी ब्रेन डेवलपमेंट एक तो न्यूट्रिशन की वजह से होता है। अभी सिंपल सा आपको समझा देती हूँ। जब ब्रेन बनना शुरू होता है तो उसके सेल्स बनते हैं। अब एक एक सेल बनना शुरू होता है, जो फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें सेल ग्रोथ होती है, मतलब 1, 2, 3, 4 करके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। सेल्स बनने के बाद दीज सेल्स हैव टू कम्युनिकेट, मतलब जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपस में उनको कम्युनिकेट करना है। जब एक सेल दूसरे सेल को मैसेज भेजता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन डिवेलपमेंट। तो एक होता है फॉर्मेशन, एक होता है डिवेलपमेंट, और ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके गर्भ में होता है और फिर डिलीवरी के बाद भी होता है, राइट? तो जब आप सही खाते हैं तो जो ग्रोथ है, जो फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल सही बनता है। और जब आप सही सोचते हैं, आप अपना वातावरण, एनवायरनमेंट आप सही रखते हैं, आप खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इसका डेवलपमेंट भी सही होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी मदर, आई एम अ मदर,
तो मैं इसी स्टेटमेंट से बोलती हूँ कि जब व्हेन माय चाइल्ड कम्स होम ए प्लस वाली ग्रेड शीट लेके, सो आई एम डेफिनेटली अ प्राउड मदर, आई एम डेफिनेटली अ हैप्पी मदर, एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे की ए प्लस वाली शीट्स आपको मिलनी चाहिए, करेक्ट? सो नेक्स्ट आता है बर्थ वेट. अभी बर्थ वेट के क्या मायने हैं? जब हम किसी से अस्पताल में मिलने जाते हैं जिसको अभी भी बेबी हुआ है, अभी तो खैर कोविड टाइम पे हम कहीं जा नहीं रहे हैं किसी से मिलने, बट द होल आइडिया इज हम जब किसी को मिलने जाते हैं, या आप नहीं शायद, हमारा जेनरेशन थोड़ा डिफरेंट है, बट हमारे मदर्स, मदर इन लॉज जब मिलने जाते हैं, वो तीन सवाल पूछते हैं. पहला, लड़का है या लड़की, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड सवाल ये पूछती है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सर्जरी हुई. और तीसरा सवाल ये पूछते हैं कि बच्चे का वेट क्या है, वजन क्या है, क्योंकि वो उनकी समझ में वजन से बच्चे का हेल्थ पता लगता है. अगर बच्चे का वजन कम है तो इसका मतलब बेबी थोड़ा वीक है, थोड़ा मतलब बना हुआ नहीं है, उनका ऐसा थॉट प्रोसेस होता है. अब हमारे तरफ से जो बेबी की जो डिवेलपमेंट है उसमें हम इस वेट को क्या समझते हैं. नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में आपके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ऑफकोर्स, तो 2.5 to 3.5 kilos, मतलब 2.5 to 3.5 kilos के बीच में बच्चे का वजन डिलीवरी के टाइम पे होना चाहिए. अगर आप बिल्कुल छोटे से हैं, आपके हस्बैंड भी छोटे से हैं, मतलब पेटीट है, फ्रेम आपका कम है, तो आप 3.5 kilos का बेबी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. तो ये एक मिथ है कि जितना ज्यादा वजन उतना अच्छा हेल्थ, दैट्स नॉट ट्रू. एक होता है इट शुड बी इन द रेंज, एंड दूसरा होता है आपका फ्रेम, राइट? तो अगर आपका बेबी 2.5 kilos से ज्यादा है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल वेट. अगर 2.5 kilos से कम है तो बेबी वीक है, डिलीवरी में डिफिकल्टी हो सकती है, पैदाइश के बाद में भी NICU की जरूरत पड़े तो वो थोड़े स्टार्टअप में हिकअप शुरू हो जाते हैं. और अगर 3.5 kilos से ज्यादा है तो भी डिलीवरी में डिफिकल्टी होती है, आगे चल के ओबेसिटी, वजन का प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म इश्यूज, ये सब सारा ज्यादा होते हैं. तो हमको बेबी को आइडियल वेट में लाना है, और ये तभी होगा जब आप सही खाना खाएंगे. एक इंटरेस्टिंग सी आपको चीज बता देती हूँ कि बेबी की जो टेस्ट बड्स है, जो हैबिट्स है खाने के, वो आपके वोम में ही बन जाते हैं, राइट? तो आप ये सोचिए कि अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छी चीजें ज्यादा खाते हो तो बेबी को भी उन्ही चीजों की आदत पड़ रही है, उन्ही चीजों के टेस्ट बड्स डिवेलप हो रहे हैं. और अगर आप जैसे जंक फूड वगैरह ज्यादा लेते हो, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, यू नो, बाहर का खाना जो जंक टाइप होता है, हेल्दी खा सकते हैं बट जंक टाइप होता है, तो बेबी के भी टेस्ट बड्स उसी तरह डिवेलप हो रहे हैं. अब आप ये सोचिए कि डिलीवरी के बाद जब आप अपने बेबी को 8 months, 1 year, 2 years के बच्चे को खाना खिलाएंगे, अगर वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खाएगा तो आप कितने खुश रहेंगे, राइट? और अगर वो जंक फूड मांगेगा, वेफर्स मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा, मांगेंगे बच्चे बट लेकिन कम मांगते हैं, तो आपके बेबी के टेस्ट बड्स जो है वो इस समय डिवेलप हो रहे हैं. एंड सिंपल है, अगर आपका बच्चा हेल्दी खाता है तो वो आगे चल के भी हेल्दी खाएगा और वो ओवरऑल हेल्दी रहेगा, राइट? तो अब ये होते हैं फायदे मदर के लिए. मदर के फायदे सिंपल हैं, आपकी प्रेगनेंसी सही रहती है, बिल्कुल हेल्दी, और उसमें जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड वगैरह, वो नहीं होता. जनरली देखा जाता है कि अगर मदर को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होता है तो डिलीवरी के बाद शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, बट ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि फ्यूचर में ये प्रॉपर डायबिटीज हो सकता है. एंड डायबिटीज इन सम सेंसेस जेनेटिक भी होता है, तो ये रिस्क फैक्टर बेबी को भी हो जाता है. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स हैं, क्योंकि डायबिटीज वगैरह जो है वो भी वेट हॉर्मोन्स, इस वजह से एस्केलेट हो सकता है. डिलीवरी आपकी सही टाइम पे होगी. अगर बेबी जल्दी आ जाता है, मतलब 32-33 weeks में डिलीवरी हो जाती है, तो NICU की जरूरत पड़ती है. बेबी की इम्यूनिटी कम रहती है, बेबी की डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है, लंग्स मेच्योर नहीं है, तो इस वजह से आपको दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आपके बेबी को भी हो सकते हैं. डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेन नहीं होगा, होगा, डिलीवरी है, पेन तो होना है, बट इट इज डेफिनेटली मोर मैनेजेबल. अगर मुझे आज मैराथन दौड़ना है एंड इफ आई डिसाइड कि मैं अब जा रही हूं, तो मैं पहुंचूंगी नहीं बिकॉज माई बॉडी इज नॉट रेडी.
पर अगर मैं 6-8 महीने ट्रेनिंग करूं, सही खाऊं, एक्सरसाइजेस करूं, तो मैं भी मैराथन दौड़ सकती हूं। एंड प्रेगनेंसी में जो वेट गेन है वो भी ऑप्टिमल रहेगा। एक्सेसिव वेट गेन जो मदर का होता है वो लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब कुल मिला के आपको प्रेगनेंसी के दौरान अबाउट 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आपको अप्रोक्सीमेटली 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। अब ये समझे, हम 300 कैलोरीज की बात करते हैं, सिंपल है राइट? लोग आपको बोलना शुरू करते हैं, अब तो आप प्रेग्नेंट हो, आप सब खा सकते हो, आराम से खाओ, मतलब मिठाइयां भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, कब खाओगे, यू नो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड जो है लोगों का, तो ये गलत है। जो आप ये सोचिए कि द सेकेंड पर्सन दैट यू ईटिंग फॉर वो इतना छोटा सा है, राइट? तो आपको डबल खाने की जरूरत नहीं है। 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 2 रोटीज, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही, दैट्स इट इन 1 full 24 hours, ये होता है 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर मील में आप नॉर्मली 2 रोटी खाते हो तब आपको 4 खानी चाहिए, अगर आप 1 glass लस्सी लेते हो तब आपको 2 glass लस्सी लेने चाहिए। सो प्रेगनेंसी में ये काफी कॉमन है कि लोग आपको बोलते हैं अब तो आप डबल हो, अब आपको डबल खाना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी या अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद जब आपका बच्चा बाहर से खाना वाना शुरू करता है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं वो ऑल थ्रू आउट दिस फेज आपके चलेंगे, तो डाइट को आपको समझना चाहिए। हम बोलते हैं बैलेंस्ड मील्स, एंड इसको समझाने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। यू शुड लुक एट योर 5 fingers, आप अपनी 5 उंगलियों को पकड़ के देखिए, और अगर आपके मेन मील्स जो आपका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है उसमें ये 5 उंगलियां हैं तो आप इनको अच्छे से अपना मील प्लान कर सकते हो। तो आज एज अ बेसिक न्यूट्रिशन प्लानिंग, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, राइट? सो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। सो पहली उंगली, द फर्स्ट फिंगर इज कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स से बच्चे का हर अंग बनता है, वेदर इट इज स्किन, वेदर इट इज मसल, वेदर इट इज बोन, वेदर इट इज हार्ट, लंग, किडनीज, ये सारा कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अब ये इनका मेन सोर्स होता है सीरियल्स, जैसे आपके चावल हो गए, रोटियां हो गई, आप अगर बाकरी वगैरह कुछ लेते हैं जैसे ज्वार और बाजरे की, नाचनी की, दैट इज ऑल्सो काउंटेड हियर। अगर आप कोई उपमा पोहा ऐसी कुछ आइटम्स लेते हैं ब्रेकफास्ट में, सो ये भी सीरियल्स ही होते हैं। दिन में आपको 6 से 11 लेने हैं, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, एंड ये ओवरऑल आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। अब 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रिफाइंड और अनरिफाइंड। मैदा, चावल, जैसे व्हाइट राइस है, ये सारे होते हैं रिफाइंड, मतलब उनको हमने बहुत पॉलिश कर दिया, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं, उनका फाइबर निकल चुका है। लेकिन जो दूसरे होते हैं जैसे गेहूं है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, इनमें खद होती है, तो वो जो अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। अब कितना लेना है, सिंपल लॉजिकली में अगर एक आप रोटी लेते हो जो 8 इंच की है, नॉर्मल रोटी, पराठा नहीं, फुल्का नहीं, राइट, नॉर्मल रोटी आप 8 इंच की लेते हो तो ये आपकी 1 serving होगी। अभी उसी हिसाब से लगभग आप राइस, उपमा, पोहा, अगर आप नान बना रहे हो, आप गेहूं की नान बना सकते हो घर पे, तो वो आपके हो जाते हैं 1 serving। ओके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हमेशा कंफ्यूजन होता है। काफी सारे लोग यही बोलते हैं कि हम कोई बोलता है हरी सब्जियां खा लो, कोई बोलता है विटामिन सी लेना जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन है। सो सिंपल है, जितने आप कलर्स लेते हो, मैं तो नॉर्मली मदर्स को यही समझाती हूँ, रेनबो, राइट? जितने आप अलग अलग कलर्स ले लेते हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, ऑटोमेटिकली आपके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से बन जाएंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम इम्यूनिटी बूस्टर्स भी बोलते हैं। करेंटली कोरोना टाइम पे इम्यूनिटी की बहुत बातें होती हैं, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए, अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ज्यादा से ज्यादा सर्विंग्स कंज्यूम करने चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑल्सो इससे जो फ्री रेडिकल्स हैं, जिससे इन्फेक्शन होते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है, जो आप मतलब यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट,
बट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उन चीजों को नलिफाई कर देते हैं, उन चीजों को आपके बॉडी से निकाल देते हैं. सो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, जितने आप अलग अलग कलर्स ले सको यू शुड टेक. ऑल्सो सीजनल, ऐसा नहीं है कि अभी मैंगो का सीजन नहीं है तो बट मुझे मैंगो खाने की क्रेविंग हो रही है तो अब आई एम गोइंग टू ईट मैंगो. डोंट डू दैट. एवरीथिंग जैसे राइट नाउ स्ट्रॉबेरीज आर इन सीजन, सो यू शुड टेक स्ट्रॉबेरीज. कोई भी ऑफ सीजन फ्रूट और वेजिटेबल डोंट कंज्यूम, बिकॉज फिर उसमें हॉर्मोन्स हो सकते हैं, गलत तरह से ग्रो किया हो, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. तो ये जो लॉजिक है ऑफ हैविंग मल्टीपल सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग एंड जब आपके बेबी खाना खाना चालू करते हैं तो उनको भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स से शुरू करवाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही होते हैं. प्रोटीन्स को हम इग्नोर कर जाते हैं कई बार, सो प्रोटीन्स को हमको इग्नोर नहीं करना. अभी प्रोटीन से बहुत चीजें होती है. एक तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही रहता है, राइट? अगर आपका आयरन लेवल सही है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बेटर रहेगी, आपको इन्फेक्शन वगैरह भी कम होंगे. दूसरा, इससे आपके बेबी का वजन बढ़ता है अंदर इन द वोम, राइट? बेबी का वजन बढ़ता है विच इज ऑल्सो अ बिग बेनिफिट. जब हम बेबी का वजन बढ़ा देते हैं अंदर तो बेबी का जो बर्थ वेट है वो सही होता. एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स, जिसपे बेबी रहता है, ये भी ऑप्टिमल लेवल पे मेंटेन रहता है तो कम नहीं होता. जनरली क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी ताकत होती है. अगर वो लेवल कम हो जाता है तो बेबी की डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस होते हैं. तो इस वजह से प्रोटीन्स पे आपको ध्यान देना. अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रोटीन्स वेजिटेरियन फूड में जनरली कम मिलते हैं. तो हमको प्रोटीन्स पे फोकस रखना है. प्रेगनेंसी टाइम आई वुड रेकमेंड कि आपको दिन में 6 दफा खाना चाहिए. एवरी 2-3 आवर्स यू शुड ईट समथिंग. एंड ब्रेस्ट फीडिंग टाइम ऑल्सो आपको भूख ज्यादा लगेगी, सो यू शुड ईट एवरी 2-3 आवर्स इवन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग. सो ये जो प्रोटीन फूड है, भले थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, नट्स है, स्प्राउट्स है, सीड्स वगैरह भी होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सब आपके मिडल स्नैक्स हो सकते हैं. तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट में पोहे बनवाए हैं तो उनमें आप थोड़े नट्स वगैरह डाल दीजिए, यू कैन हैव अ बोल ऑफ कर्ड विथ इट. मिड मॉर्निंग अगर आप कोकोनट वाटर लेते हो या आप कोई बटर मिल्क या कुछ ऐसे ले लेते हो तो आप उसमें फ्लैक्स सीड का पाउडर डाल दीजिए. लंच के टाइम पे दाल है या मतलब पनीर वगैरह आप ले सकते हैं. डिनर में भी सेम थिंग. शाम के नाश्ते में मेक श्योर यू हैव स्प्राउट्स. तो ऐसे करके आपका वेजिटेरियन कॉम्बिनेशन तो आराम से बन जाएगा. अगर आप नॉन वेज लेते हो तो यू कैन हैव मीट, लेकिन लीन मीट, क्योंकि एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है अगर हम मीट का फैट ले लेते हैं तो चिकन वगैरह है उसका स्किन निकाल के. एंड अगर आप सी फूड लेते हो तो फिश इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन ओनली 2 times a week. फिश से भी बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, तो अगर आप फिश ऑयल वगैरह कंज्यूम करते हैं तो दैट कैन बी हेल्पफुल. सो अगर हम फिश नहीं लेते हैं, अगर हम वेजिटेरियन हैं, तो वही जो बेनिफिट्स हैं वो आपके आमंड्स, वॉलनट्स, ओमेगा 3 जहां पर मिलता है, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव्स, इन सब चीजों से आपको सही में मिल जाएगा. अब आते हैं कैल्शियम पे. एंड कैल्शियम से बच्चों के दांत बनते हैं, बच्चों की हड्डियां बनती हैं, मतलब जो एक सिंगल सा डॉट था वो प्रॉपर, यू नो, 18-20 इंच का बेबी बनने वाला है तो हड्डियां तो चाहिए, राइट? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्केलेटन कैसे बनेगा, राइट? मसल और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी यहीं से होती है. इससे द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज डेयरी, मतलब मिल्क, दूध, राइट? तो 600 ml. अभी आप यहाँ पर ये सोच ही रहे होगे कि मैं कैल्शियम की गोली तो ले ही लेती हूँ तो फिर भी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपकी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कैल्शियम को कम ना करें. प्रेगनेंसी इज सच अ थिंग ना कि बेबी तो खींच लेंगे मोस्टली. अगर थोड़ा बहुत रिजर्व्स आपके हैं तो बेबी विल टेक, बट अगर आपके रिजर्व्स नहीं है तो फिर आपकी बोन डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी. सो देन लेटर ऑन इन लाइफ, यू नो, फॉर यू इट इज बेटर दैट यू कंज्यूम इनफ कैल्शियम. अब कैल्शियम में, मिल्क में,
जनरल क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ही मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं हम उनको गाढ़ा भैंस का दूध देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. जो गाढ़ा दूध है जो हम फैट मिल्क बोलते हैं, वी डोंट नीड इट बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा सिर्फ फैट्स ही अलग होते हैं और कोई फर्क नहीं होता, प्रोटीन कैल्शियम वो सब सेम रहता है. सो यू कैन हैव स्किम्ड मिल्क. तो आपको मिल्क को फुल फैट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप डेयरी नहीं लेते हैं या आपको डेयरी से कुछ प्रॉब्लम है जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो प्लीज कोई डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपना प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा लीजिए ताकि आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स कम ना हो. डिलीवरी के बाद मोस्ट मदर्स विल कंप्लेन कि मुझे वीकनेस हो रही है, हड्डियां दुख रही है, पीठ में दर्द हो गया, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम और रिड्यूस कैल्शियम. प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनिच, ब्रोकली वगैरह, नाचनी जो ग्रेन है, रागी भी बोलते हैं उसको, सेसमे सीड्स, जैगरी वगैरह इसमें होता है बट कम मात्रा में. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा कैल्शियम लेवल्स बिल्कुल सही हो. जितना हम कम फैट्स और ऑयल्स लें उतना ऑफकोर्स बेटर, बट सम अमाउंट इज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो, मतलब फैट्स बोले तो इट बिकम्स लाइक ओ माई गॉड. बट फैट्स आर एसेंशियल क्योंकि कुछ विटामिन्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए वी डू नीड सम फैट्स. एंड ये एज डिपेंडेंट भी होता है. जैसे हमारे लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी डोंट रिक्वायर दैट मच, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वी डोंट रिक्वायर दैट मच. जैसे घी, ऑयल, बटर ये बहुत भर भर के प्रेगनेंट लेडीज या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को खिलाते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी. जब आपका बेबी खाना खाना चालू करे आफ्टर सिक्स मंथ्स, so then a little extra fats in their diet is included because their brain is still developing. So brain development ke liye bhi healthy fats. So it's not that we have to give lots and lots of ghee and butter to the baby. We have to make sure ke hum unko healthy fats de. So ye bhi aap apne pediatrician se zarur consult kar lijiyega jab aap baby ko khana khilana shuru karte hain, because baby ki jo diet hai wo bhi bahut hi essential hoti hai in terms of immunity building. सिंपली थोड़ा बहुत डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं है. अगर आपको नौशिया वगैरह हो रहा है और आप अगर कम खा रहे हैं तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए. बट लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं खा पाते हैं तो देन यू शुड मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग योर डॉक्टर, राइट. बहुत सारा आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, मतलब आप कोकोनट वाटर, रेगुलर वाटर, बटर मिल्क ये सब आप लेते रहिए क्योंकि अगर आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा तो यू विल फील कंफर्टेबल. ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करिए क्योंकि ऑयली स्पाइसी फूड से स्टमक गेट्स अपसेट एंड नौशिया की फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है. स्मॉल मील्स बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप राइस ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, रोटी ले लीजिए. इससे आपके स्टमक की जो कंटेंट्स हैं वो अच्छे से सेटल हो जाएंगे, एसिड सेटल हो जाते हैं तो नौशिया कम हो जाता है. आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड और एक मल्टीविटामिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रिस्क्राइब करेंगे. ये बेबी के जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो अवॉइड करने में बहुत हेल्प करते हैं. जो स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स होते हैं इनको हम अवॉइड कर जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप इन सप्लीमेंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. सेकेंड ट्राइमेस्टर इज वेरी कंफर्टेबल, इसको हम पार्टी ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं कंफर्टेबल ट्राइमेस्टर के अलावा. इस समय आप खा सकते हैं तो बहुत चीजों का मन आता है कि हमको ये खाना है वो खाना है, अभी तीन महीने से कुछ नहीं खाया बराबर से, अब सब खा लेते हैं. बट प्लीज ईट सेंसिबल ताकि आपका वेट गेन ना बढ़ जाए, नहीं तो थर्ड ट्राइमेस्टर में डाइट करनी पड़ेगी एंड दैट डजंट मेक सेंस, राइट. जैसे मैंने आपको सारे फूड ग्रुप्स समझाए हैं उसी तरह आपको सारे फूड ग्रुप्स कंज्यूम करने हैं. एंड कोई भी मिथ्स जैसे कि सफेद चीजें खानी है उससे बच्चे का रंग गोरा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट. तो आप सब खा सकते हैं, ये खाने पीने की मिथ्स में ना पड़े, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वजन बढ़ रहा है, सो मेक श्योर आपके प्रोटीन्स इनटेक बराबर हो. बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, राइट. अब जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे ही आप मतलब जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट 20 वीक्स में ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है. अब देयर इज नो रिसर्च विच सेज कि आपने अगर कुछ अनाप शनाप बोला, गलत चीजें बोली तो बेबी ने वो सारा सुन लिया और बेबी ने वो सारा फील कर लिया.
लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता देती हूँ. अगर आप हैप्पी रहते हैं, आप स्माइलिंग रहते हैं, आप गुड मूड में रहते हैं, तो आपके हॉर्मोन्स सही रहते हैं और गुड हॉर्मोन्स आपके बॉडी में फ्लो होते हैं, राइट. तो ये जो हॉर्मोन्स हैं आपको बढ़ाने हैं, आपको स्माइल करना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको अपने गुड हॉर्मोन्स बढ़ाने हैं. तो जब आप इस मूड में रहते हो, ऑल द वे फ्रॉम थर्ड ट्राइमेस्टर का फोकस यही आपका रहेगा दैट यू शुड बी इन अ हैप्पी स्माइलिंग स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ईट गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, इससे ब्रेन डेवलपमेंट रहेगा. और ओवर एंड अबव दैट मेक श्योर कि आप हैप्पी रहते हो, स्माइलिंग रहते हो. आप बेबी से बात भी कर सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टॉक, यू कैन सिंग टू द बेबी, बेबी कैन लिसन टू यू, बेबी कैन हियर यू, राइट. आयरन रिच फूड, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक ऑन दिस स्लाइड, बट आयरन रिच फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइम पे ओमेगा 3 आपको बढ़ाना है बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बेबीज ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट टाइम, राइट. तो ओमेगा 3 अगर आप डॉक्टर से भी बात कर लेंगे तो अलॉन्ग विद फूड्स जैसे ऑलिव्स, फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स, आमंड्स, इसके अलावा आप एक ओमेगा 3 की कैप्सूल भी ले सकते हैं. सिंस आपका यूट्रस बढ़ रहा है तो एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है, खाने का मन नहीं होता, तो इस टाइम पे आपको हैवी फूड्स नहीं लेने, आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड्स लेने, राइट. तो अगर आप समझो जैसे वाइट राइस वगैरह आपने कम कर दिया, आप दालें ज्यादा ले लो, आप यू नो अगर आप मीट खाते हो तो एग्स ले लो, चिकन ले लो, ये सब आप इंक्रीज कर दो. दैट इज वॉट यू शुड फोकस ऑन. एंड अगेन यू कैन हैव स्मॉल पोर्शंस, डोंट हैव लार्ज पोर्शंस, हैव स्मॉल पोर्शंस, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे आपका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रहेगा. इसको हम प्रेगनेंसी सुपर फूड्स बोलते हैं, राइट. ये चीजें आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए. दिस इज लाइक योर स्वीट पोटेटोज, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड लीन मीट, मतलब आपकी दालें, छोला, राजमा, बटाना, चिकन, मटन भी ले सकते हैं, बट अगेन इन लेस क्वांटिटी बिकॉज मटन से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. यू कैन हैव बेरीज, एंड अगर सीजनल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो लुक एट ड्राइड बेरीज जो ड्राइड पैकेट्स में मिलते हैं. जिस पैकेट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए दैट दे शुड नॉट हैव शुगर इन इट. आपको होल ग्रेन्स पे फोकस करना है, डोंट हैव रिफाइंड ग्रेन्स, नो वाइट राइस, नो मैदा, थिंक अबाउट द होल ग्रेन्स. अगर आपके एरिया में एवोकाडोज मिलते हैं तो एवोकाडोज आर अ सुपर फूड, इसमें ओमेगा 3 तो बहुत ही होता है एंड गुड फैट्स अच्छे से होते हैं. सो यू शुड हैव मे बी हाफ एन एवोकाडो ऑन अ डेली बेसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग. एंड यू नो वॉट, बेबीज को भी एवोकाडोज बड़े अच्छे लगते हैं. सो आफ्टर दे स्टार्ट ईटिंग 6 months के बाद then you can give them avocados. Dry fruit, nuts and seeds, these are also very helpful and you should include this in your daily diet. Water is very important because ye sara jo hum kha rahe hain usko absorb karne ke liye water to chahiye. So at least 8 to 10 glasses of water during pregnancy and 12 to 14 glasses of water while breastfeeding. Salt yani ke namak kam matra mein, bilkul kam. मतलब कोई भी पैकेज फूड, प्रोसेस फूड, सॉसेस, जिसपे भी एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है. अगर आप सैलेड लेते हो और उसपे इस तरह से आपको नमक छिड़कना है तो डोंट डू दैट, उसके बदले में नींबू का जूस डाल दीजिए. तो सॉल्ट कम. सप्लीमेंट्स जो होते हैं जो डॉक्टर्स आपको देते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम वगैरह है, उसको प्लीज इग्नोर मत करिए बिकॉज ये आपको कंटिन्यू रखने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी while you are exclusively breastfeeding. इन चीजों को आपको अवॉइड करना है. जैसे रॉ मीट, सुशी वगैरह हम नहीं खाएंगे. जो रेगुलर चीज हमको ब्रिटानिया, गो, अमूल वगैरह मिलती है मार्केट में, वी कैन हैव दैट. लेकिन जो बाहर की चीजें आती है, चीज आती है जैसे ब्री, ब्लू, ये सारी हमको अवॉइड करनी है. अगर आपके घर में गाय है, भैंस है, तो डायरेक्टली उसका मिल्क आप नहीं ले सकते हो, उसको आपको पैस्चराइज करके ही लेना चाहिए. रॉ एग्स मत ले लीजिए जब आप उससे आपको इन्फेक्शन हो जाता है. तो अगर आप कोई भी डिजर्ट वगैरह भी लेते हो तो मेक श्योर दैट इट डज नॉट हैव रॉ एग्स इन इट. एक्सेस फिश, अजीनोमोटो जो चाइनीज फूड में पड़ता है, एक्सेस ऑफ कॉफी और टी बिकॉज उसमें कैफीन होता है, एंड यस थम्स अप, कोक, ये सब चीजों में भी जो डार्क बेवरेजेस होते हैं उसमें भी कैफीन होता है.
अल्कोहल और कोई भी फॉर्म ऑफ ड्रग्स जैसे सिगरेट्स वगैरह, ये सब आपको अवॉइड करनी है। इन फूड्स के बारे में बहुत ही कंट्रोवर्सी है, पपाया पाइनएप्पल से मिसकैरेज हो जाता है, बट थोड़ी मात्रा में कम मात्रा में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट्स में गर्म होता है, काले होते हैं, बच्चा काला हो जाएगा, ये आपको ये मिथ है। लेकिन डेट्स आर वेरी हाई इन शुगर, सो इसीलिए यू शुड बी केयरफुल। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है सो देन यू मेक श्योर दैट यू अवॉइड इट, बट अदरवाइज यू कैन हैव वन और टू डेट्स एवरी डे। कोकोनट वाटर से बच्चा गोरा नहीं होता और बच्चे के बाल नहीं बढ़ते, तो आपको एसिडिटी हो जाएगी बालों की वजह से, ये भी एक मिथ है। सो यू कैन हैव कोकोनट वाटर इवन ऑन अ रेगुलर बेसिस। घी खाने से डिलीवरी स्मूथ हो जाएगी इज अ मिथ। So you can have a little bit of ghee, but only just like a flavoring. Biryani pe, roti pe laga diya, parathe pe laga diya, that's fine. But doodh mein ghee mix karke hum kha rahe hain, bhar bhar ke ghee ke shire kha rahe hain, delivery ke baad bhi, that should not be done. Iron levels badhane ke liye aapko iron rich foods increase karne hain aur protein rich foods increase karne hain. विटामिन सी के साथ अगर आप आयरन की चीज लेते हो तो उसकी अब्सॉर्प्शन बेटर हो जाती है। जैसे अगर आप आयरन की पिल भी ले रहे हो तो आप उसको एक ग्लास नींबू पानी के साथ ले लीजिए या ऑरेंज जूस के साथ ले लीजिए, तो उस पिल में से भी आयरन की अब्सॉर्प्शन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अब आते हैं डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है। जब हम बेबी की इम्यूनिटी की बात करते हैं, जब बेबी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग में दो फायदे हैं, एक बेबी की इम्यूनिटी और दूसरा बेबी की IQ। ये हमने देखा है, दिस इज रिसर्च, कि जो बेबीज को हमने 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क दिया है उनकी जो IQ है वो 8 पॉइंट्स हायर है एज कम्पेयर टू बेबीज जिनको फॉर्मूला दिया गया है, which is a good benefit, right? So brain development और immunity दोनों में breast feeding का बहुत important हाथ है। इसका मतलब ये है कि आपको breast feed करना है और आपको breast milk बनाना है। तो diet आपकी बिल्कुल वही रहेगी जो pregnancy में हमने discuss की है। You don't need to eat anything extra। कोई भी food को avoid नहीं करना as long as it is healthy। कि छोला खाने से gas हो जाएगा, not true। या जैसे हम आइसक्रीम खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी बेबी को, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ज्यादा घी खाने से दूध ज्यादा बनेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई भी क्रैश डाइट नहीं करनी, क्योंकि मदर्स को जनरली डर लग जाता है कि ओ माय गॉड इतना वजन बढ़ गया, ये हमको कम करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्लीज डोंट क्रैश डाइट। वेट लॉस ग्रेजुअल रहता है, 9 मंथ्स लगे हैं बेबी बनने के लिए, तो कुछ तो महीने आपको देने चाहिए आपका वेट लॉस करने के लिए। तो स्लो एंड ग्रेजुअल वेट लॉस विल हेल्प योर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, एंड जितना आप ज्यादा फीड करोगे उतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क बनेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप। व्हेन इज अ पेरेंट बॉर्न? व्हेन योर वर्ल्ड चेंजेस इन अ मोमेंट, नानी, or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice. Wonderful. So ye kuch books hain jo mere likhe hue hain, market mein available hain, on prenatal fitness with exercises and pictures and etc. पेरेंटिंग मंत्रास डिलीवरी के बाद के लिए है, फॉर एनी बेबी रिलेटेड क्वेश्चंस, पोस्ट डिलीवरी रिलेटेड क्वेरीज दैट पेरेंट्स हैव। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी हेल्पफुल हैंडबुक फॉर ऑल पेरेंट्स एंड बेबी रेसिपी बुक। सो आफ्टर द बेबी स्टार्ट्स ईटिंग यू कैन लुक एट सुपर मॉम्स रेसिपीज। तो ये सारे बुक्स मार्केट में अमेजोन पे अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर योर कॉपी टूडे।
आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस. ये मेरा वेबसाइट है, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है. इंस्टाग्राम मैंने चेंज कर दिया, इट्स गॉन टू सोनाली शिवलानी, सो एट सोनाली शिवलानी. एंड यूट्यूब चैनल भी है विच इज द प्रेगनेंसी कोच बाय बेबी 360 डिग्रीज. सो यू कैन यू नो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो, बिकॉज वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोज, मोर देन 100 वीडियोज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, एंड एवरी वीक आई पुट अ न्यू वीडियो. सो दिस इज समथिंग जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल. आई एम गोइंग टू ओपन द क्वेश्चन बॉक्स एज वेल. Just give me one second. Okay, so please do put your questions in the question box. There are one or two questions, so I'm going to answer that, and it's diet related. सो द फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है इज हाउ मेनी एग्स कैन वी कंज्यूम इन अ डे. तो एग्स का जनरली मैम ये सिचुएशन होता है कि आप अगर दिन में 3-4-5 एग्स भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये एग येलो नहीं लेना है. आप सिर्फ एक एग येलो लेंगे और बाकी आपको एग वाइट्स लेने चाहिए. तो मल्टीपल एग वाइट्स आर अलाउड बट ओनली वन एग येलो इन अ डे, बिकॉज एग येलो में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. प्रोटीन सोर्सेज जो वेजिटेरियंस के लिए होते हैं, दीज आर योर, जैसे आपको मैंने पहले ड्यूरिंग द सेशन भी बोला है दैट देर इज दाल्स, द लेग्यूम्स लाइक छोलाज, राजमाज, बटानाज, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, सोया प्रोडक्ट्स, ये सारे आपके वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं जो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस आप कंज्यूम कर सकते हैं. ऑल राइट, सो अगला क्वेश्चन जो है, हाउ टू टेक प्रॉपर स्लीप इन प्रेगनेंसी. देर इज लैक ऑफ स्लीप इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज ऑफ सो मच वरीज फॉर द बेबी, प्लीज हेल्प मी विद दिस. ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना मैम, ये बहुत ही नॉर्मल है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर्स को बेबी की वरी होती है कि ये सब नॉर्मल होगा कि नहीं, एम आई गोइंग टू बी अ गुड मदर, एम आई गोइंग टू यू नो बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये बहुत, ये जो होता है ना बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, एंड आप इसका कुछ भी नहीं, मतलब कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. पहली बात तो जो प्रेगनेंसी के टेस्ट वगैरह होते हैं इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल हो रही है. दूसरी चीज, आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट करना है. आप जब 10 लोगों की बातें सुनते हो तो उससे आपको स्ट्रेस हो जाता है. रात को लास्ट में, मतलब 8 or 9 o'clock के बाद आप पानी थोड़ा कम पीजिए, बिकॉज अगर आप बहुत पानी पी लेंगे तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से भी आपको टॉयलेट जाने की बहुत जरूरत पड़ती है. इसीलिए आपको भी नींद, आपकी नींद खराब हो जाती है. सोने के पहले एक अच्छा सा वार्म शावर ले लीजिए, एक छोटा कप गर्म दूध विद अ लिटिल हनी आप ले लेंगे तो उससे आपको हेल्प हो जाएगा. रूम का जो टेम्परेचर है वो आप सही रखिए तो आपको कंफर्ट रहेगा सोने में, राइट. सो ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी. एंड यू नीड टू रिलैक्स, इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्सरसाइजेज, मैम देर इज समबडी हु यू नो इज आस्किंग एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो पहली बात तो आपको यू नो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करना अलाउड है या नहीं. ये सेशन ऑब्वियसली एक्सरसाइजेस का नहीं था तो इसलिए डिटेल में तो नहीं जा सकती हूँ, बट सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग. आप वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं. अगर आपके आसपास में कोई यू नो एक्सरसाइज क्लास की ऑप्शन है तो सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज जरूर करिए. आजकल ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लासेस भी मिल सकते हैं आपको, जो आपको ऑनलाइन लाइव एक्सरसाइज क्लासेस करवाएंगे. सो यू कैन यू नो डू दैट. एंड जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब चैनल वगैरह है मेरा. अगर डॉक्टर आपको परमिशन दे देते हैं तो फिर देन आप ये भी कर सकते हैं. तो
Dr. Kaushal, are you able to hear me? Yes, yes, I'm able to. Okay. Yeah. Okay. All right. Wonderful. So, ma'am, there are some questions. Can I just read them so you can answer them also? Yes, yes. Why not? Okay. All right. I know there is one question on water. So, this mother wants to know ki raat ko sone se pehle mujhe kitna pani peena chahiye ya nahi peena chahiye. Well, पानी तो दिन भर ही पीना चाहिए वाई एट द स्लीप टाइम. अगर आप रात में सोते समय बहुत पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली आपको कई बार उठना पड़ेगा यूरिनेट करने के लिए. सो आइडियली वाटर इनटेक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डे, है ना. 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, बट दैट इज नॉट इन पर्टिकुलर की रात में सोते समय पीना चाहिए, पीते रहिए. And if you feel thirsty in the middle of the night, तो उठकर भी पिए, लेकिन ऐसा जबरदस्ती पी के नहीं सोना है. That's the point. Right. So, ma'am, there is एक question जो पहले गया. The mother was very concerned कि मुझे नींद नहीं आती क्योंकि बेबी के बारे में चिंता होती है. तो आप थोड़ा सा can you tell us about जो test हम करवा देते हैं ताकि हमको पता है कि baby is normal. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे. तो टेस्ट तो हर पॉइंट पे होते रहते हैं एंड एवरी टेस्ट इज टू लुक इनटू द थिंग कि द मदर इज ओके एंड द बेबी इज ओके. एंड वंस वी आर सेइंग यू दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट देन व्हाई टू वरी. एंड अगर हम साइंस की बात करें तो जितनी आप चिंता करेंगे वो सब भी तो अंदर जा रहा है ना. जैसे आपने भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चा फिर बाद में आप ही की तरह चिंतित व्यवहार करेगा कि स्ट्रेस्ड आउट रहेगा, सोएगा नहीं. देन व्हेन यू वांट कि 10 o'clock के सो जाए फिर वो सोएगा नहीं. तो आप जैसा करते हैं वही तो बेबी अंदर सीख रहा है. तो अगर आप नहीं टाइम पे सोएंगे तो एट टाइम्स लेटर ऑन यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम दैट योर बेबी इज नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम. सो चिंता ना करें. अपना जो भी बिहेवियर है वो ऐसा रखें कि हमें टाइम पे सोना ही होगा सो दैट द baby also sleeps on time and you can have good time later on being a mom. हाँ मैम, लेकिन जैसे you know ultrasounds है and कुछ blood test होते हैं जो hormone level check करते हैं, so we know कि baby की जो development है वो बिल्कुल normal है. तो मेरा मतलब basically क्या है कि mothers को ये बहुत ही stress होता है कि doctor को कैसे पता कि baby normal है. Okay. बेबी नॉर्मल है क्योंकि हम उसको इनिशियल प्रेगनेंसी में तो हम सोनोग्राफीज करते हैं टिल 20 वीक्स टू गेट टू नो कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली नॉर्मल डेवलप हुआ है बच्चा. सो इफ वी डिवाइड द होल प्रेगनेंसी लाइक 40 वीक्स इंटू 2 हाफ्स, फर्स्ट 20 एंड लास्ट 20, तो फर्स्ट 20 में हम ये देखते हैं कि बेबी का जो डेवलपमेंट है जैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नॉर्मल है कि नहीं. एंड इन द सेकेंड हाफ वी सी द ग्रोथ ऑफ द बेबी. तो हम आपको आपके पेट को एग्जामिन करके सोनोग्राफीज करके कुछ लीडिंग क्वेश्चन पूछ के हम ये पता कर लेते हैं कि बच्चा ठीक है. और वंस वी से इट इज ओके तो प्लीज बिलीव इन अस, वो कुछ नया कुछ नहीं होगा जिससे कि हम कुछ छुपा नहीं रहे. हम क्यों छुपाएंगे आपसे. योर बेबी इज नॉट ओके हम आपको बताएंगे. ओके अगर बोल दिया ओके तो मतलब ऑल ओके, ऑल डन. राइट. सो यू नो जो इतने एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि मदर्स बहुत ही दोनों एंगल से वरी करते हैं. अगर डॉक्टर सोनोग्राफी करने के लिए बोलते हैं तो देन दे आर वरीड अबाउट दैट. ये बहुत सारे सोनोग्राफी करा देते हैं डॉक्टर, बेबी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा. और अगर हम नहीं करवाते हैं तो देन दे आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो कि इज द बेबी डेवलपिंग वेल. यस तो बहुत इंपॉर्टेंट है मदर्स नहीं. एंड एक बात होती है ना कि आप ट्रस्ट करके चलिए. आपको जितने क्वेश्चंस हैं बेशक पूछिए, लेकिन गूगल से ना पूछिए, दोस्तों से ना पूछिए, फैमिली से ना पूछिए. आप डॉक्टर से पूछ लीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको टेंशन ना हो. क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बेबी अलग होता है, हर डिवेलपमेंट अलग होता है. मतलब आई हैव हैड 2 चिल्ड्रन एंड 2 प्रेगनेंसीज हुई हैं और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी मेरे लिए डिफरेंट थी. तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड के साथ होगा वो आपके साथ भी होगा. तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप चिंता ना करें, बिकॉज जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं ना चिंता की वजह से
वो ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं और उसपे अननेसेसरी स्ट्रेस भी हो जाता है. एक क्वेश्चन था ऑन फूड एंड ऑल, वो मैंने आंसर कर दिया इन द चैट फॉर द मदर कि आप सब फ्रूट्स खा सकते हैं बट कम मात्रा में, मतलब डोंट ओवर ईट. अगर जैसे कि अगर मैंगो सीजन है, मुझे मैंगो पसंद है तो मैं सिर्फ मैंगो खा रही हूँ, ऐसा नहीं करिए, वैरायटी करिए. एंड दूसरी बात है हनी. जैसे शुगर हम मना करते हैं क्योंकि उसमें कैलोरीज होते हैं, रिफाइंड शुगर में कुछ हेल्दी नहीं होता. हनी जो मार्केट में मिलती है, जो पैकेज हनी मिलती है, वो भी रिफाइंड ही होती है, तो कैलोरीज तो उसमें भी होते हैं. सो इट इज अ गुड आइडिया कि आप वो भी मतलब खा सकते हैं बट लेकिन इन स्मॉल क्वांटिटी, इन मॉडरेशन. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू हाईलाइट समथिंग ऑन ईटिंग पपाया? That's the most commonest question you encounter. ये पपाया वाला मैंने पॉइंट ऑलरेडी ड्यूरिंग द सेशन भी रेज किया कि पपाया इन स्मॉल क्वांटिटी, राइप पपाया, आप अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो आप ले सकते हैं. ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको मना है. जैसे क्या होता है ना, देयर इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑफ जूस विच इज इन द मार्केट एंड उसका एक पपाया ऑरेंज फ्लेवर है. एंड अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को पपाया ऑरेंज फ्लेवर का अगर वो जूस का पैकेट भी आ गया तो दे डोंट टेक, बिकॉज उनको बोला गया कि पपाया नहीं लेना है. बट स्मॉल क्वांटिटी अगर आप पपाया लेते हो तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट ज्यादा नहीं, कोई भी चीज ज्यादा नहीं लेनी है. अगर मैं भी कच्चा पपाया खा लूंगी एज अ नॉन प्रेग्नेंट पर्सन तो मुझे भी तकलीफ होगी, मुझे भी बदहजमी. सो यू शुड टेक एवरीथिंग बट इन स्मॉल क्वांटिटी. So any more questions, audience? I think questions हमने सारे के सारे answer कर लिए हैं. I hope ये session आपको Sunday morning के लिए worth लगा. अगर आपका कोई feedback है तो आप please share कर सकते हैं chat window में. We would be really happy to answer them. And while we are waiting for any feedback or any last 1 minute questions. Olive oil is good or not, ma'am? That is the next question. So olive oil is good, but आपको ये याद रखना है कि olive oil बहुत अलग अलग parameters में मिलता है. So आप उसमें कुछ olive oil होते हैं जो सिर्फ आपको salads में raw form में use करने हैं, आप उसको cook नहीं कर सकते हो. अगर आप cooking करते हो तो उसका temperature बढ़ जाता है and at certain temperature that oil becomes unstable. एंड वो अनस्टेबल होता है तो वो आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है. तो आप अगर ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं जो नॉट मेंट फॉर कुकिंग है और आप उसमें खाना बना रहे हैं तो आप एक्चुअली अपना खाना बिगाड़ रहे हो. तो लेबल्स बराबर से पढ़ने हैं. अगर आप सैलड्स वगैरह लेते हो आप उसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हो क्योंकि वो रॉ फॉर्म में है. अगर आप जैसे हमस बनाते हो घर पे, उसमें ऑलिव ऑयल पड़ता है तो यू कैन हैव दैट इज इन द रॉ फॉर्म. सो इन दैट वे ऑलिव ऑयल इज गुड. आप ऑलिव्स खा भी सकते हो, मतलब सैलड वगैरह में आप ऑलिव्स डाल दो या कोई सब्जी बना रहे हो उसमें ऑलिव्स डाल दो. पिज्जा अगर आप घर पे बनाते हो उसमें ऑलिव्स डाल दो. सो यू विल गेट द सेम बेनिफिट. व्हाट अबाउट हैविंग बनानास? यस मैम, यू कैन हैव बनानास बट अगेन इन मॉडरेशन. और अगर बाय चांस आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तो प्लीज आप डॉक्टर से पूछ कर ही ये डाइट अपना बनाएं, बिकॉज बनानास आर ऑब्वियसली जिसको हम हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं. तो यू शुड प्लान. बट अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो बनानास आर वेरी हेल्दी. मैम, देयर इज वन क्वेश्चन. आई थिंक मैंने तो ये वेबिनार में आंसर किया है बट डॉक्टर कौशल आप इसको आंसर कर दीजिए. आई थिंक मदर्स विल लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू. Does a mother need to restrict on limited food variety post delivery for 1 month, like it is said by most old ladies? Yeah, so I don't think so. It's not required because postnatal there's a lot of depression, blues. You don't like the environment around you because it is because of hormonal changes. बेबी आ जाता है, बॉडी शेप ऐसा हो जाता है, the lots of aches and pain, उस पे खाना भी ऐसा खाने मिले तो बहुत बुरा लगता है. सो नो रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली रिक्वायर्ड. ये सब इंडिया में ही वी प्रैक्टिस इट अ लॉट बट इट्स नॉट प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज आउटसाइड इंडिया. सो
we should not take food that creates constipation and gases and all that, but you can take all type of food. Jaisa pregnancy mein khate aa rahe hain waise post delivery, until and unless you had some big surgical intervention and doctor has restricted you on certain diet, otherwise it's not required. So you can have everything and anything on any amount. There's no disproportion required. I mean, aap lemon bhi le sakte hain, orange bhi le sakte hain, tomatoes, curd, rice, sab le sakte hain. Right. So, postnatal diet bhi humne jaise webinar mein bhi discuss ki, you can eat everything as long as it is. Mere teen rules hote hain post delivery khane ke liye. Ek to aap healthy khaiye, dusra aap balanced diet khaiye, matlab sab khaiye, sab kuch khana hai, aisa kuch nahi ki ye chhod dena hai. और तीसरा, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है. ऐसा नहीं है कि अब ये पसंद आ रहा है तो ये ही हम ज्यादा खा रहे हैं. सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन. आजकल एक और चीज ऐड कर रही हूँ कि घर का खाना खाइए फॉर द फर्स्ट 6 to 8 weeks, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है डिलीवरी के बाद. तो एंड इट इज नॉट कोविड की वजह से, ऐसे नहीं है कि कोविड की वजह से ही बोल रहे हैं, बट इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है, ब्लड लॉस होता है, थोड़ी एंजाइटी होती है, थोड़ा सा स्लीपलेसनेस तो होना ही है, बच्चा तो रात को जागेगा ही. तो इसीलिए उस हिसाब से आपको घर का खाना खाना चाहिए ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. स्ट्रेच मार्क क्रीम आपको 12वां हफ्ता 12th week के बाद से स्टार्ट करनी है एब्डोमेन, ब्रेस्ट और बटक्स पे, एंड ऑल्सो डिलीवरी के बाद आपको ये कंटिन्यू करनी है क्योंकि आपकी बॉडी गोइंग बैक टू शेप फॉर 6 months. एंड एनी ब्रांड जिसमें वाइटामिन ई हो, जैसे कोको बटर है पामर्स का, या बायो ऑयल है, आप ये यूज कर सकते हैं फॉर द मसाज ऑन एब्डोमेन, ब्रेस्ट और बटक्स. चलिए, आई थिंक अभी थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो बींग सच अ पेशेंट ऑडियंस. थैंक यू डॉक्टर कौशल for joining us and giving us this opportunity. A very big thank you to CodLife also, ki unhone ye platform hamare liye arrange kiya. CodLife ki team aapke saath touch mein rahegi, aapko recordings share karegi, aur aapke saath you know jo bhi participants hain unke saath jo gift voucher hai wo bhi share karegi. There is a small little shopping voucher that they will share with you. Agar aap CodLife ya stem cell banking ke bare mein janna chahte hain, so you can take a presentation from them. They will request that also, right? So thank you so much, everybody. Have a great weekend ahead. And actually, शुरुआत मुझे इससे करनी चाहिए थी, but थोड़ा सा हड़बड़ी में start हुआ. So wish you a very happy new year. This is the start of 2021. Yeah, thank you, ma'am. 2021. Thank you, Sonali. Thank you so much. I know आपको बिल्कुल last time हमने join करवाया है. I'm really grateful to you because otherwise we won't be able to do this session today. Thank you so much from my heart that you agreed to us in the last minute. No problem, ma'am. It's all fine. I just was like, you know, little disoriented when I started. But I understand. It's not easy to say yes on the last moment. So I'm really grateful to you. Thank you, CodLife people, for arranging. Yeah. Thank you so much. Thank you, Odin. Bye-bye. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, CodLife. One chance, one choice.